आइए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बनान फाइनेंस के बारे में। इस कंपनी में क्या हो रहा है, क्या कंपनी में अप्रत्यक्ष लगेगा, क्या कंपनी में लॉस रिकवर होगा, क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस शॉर्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए हम सीधा यहाँ पर आ चुके हैं moneycountry.com पर। आप देख सकते हैं जैसा कि फ्राइडे को कंपनी का जो प्राइस था तो 17 रुपीज 40 पैसे कंपनी उस दिन बनाई। आइए देखते हैं कंपनी में शॉर्ट में हाई लो क्या है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं जो कंपनी का हाई है ओपनिंग जो था फ्राइडे को वो 17.90 रुपया था। कंपनी ने हाई बनाया 17.90 रुपया के आसपास। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 43 रुपीज के आसपास कंपनी का बुक वैल्यू है। मतलब कंपनी जो का प्राइस है वो अपने बुक वैल्यू से कंपनी आधे पर चल रही है। दोस्तों देखिए यहाँ पर देखा है कंपनी का जो एक साल का हाई है 124 रुपया है और एक साल का लो है वो 6.41 रुपया एक साल का कंपनी लो बनाई है। आइए कुछ खास चीज मैं आपको बताऊँ यहाँ पर ग्राफ के बारे में बताऊंगा आपको लेटर। पहले आप देखिए बिफोर कंपनी वॉल्यूम क्या माना जा रहा है। आप देख सकते हैं जैसा कि आज के दिन 3 लाख का कंपनी ने वॉल्यूम मारा गया था, उसके पहले 5 लाख का वॉल्यूम मारा गया है। एक वीक का जो एवरेज है 3 लाख का वॉल्यूम मारा गया है और 1 मंथ का दिखा रहा है एवरेज कंपनी में 8 लाख का कंपनी में लगातार वॉल्यूम मारा जा रहा है। कंपनी क्योंकि मैंने बोला कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसलिए कंपनी ने एक साल में 150% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है और 3 साल में कंपनी 130% का कंपनी यहाँ पर रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। मतलब अगर आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लगाए हैं आप छोड़ दीजिए तो कंपनी आपका प्रॉफिट देगी। आप यहाँ देखिए कम्युनिटी सेंटीमेंट में क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर 100% लोग बाई करने के लिए आपको सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। आइए आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट कंपनी में वॉल्यूम क्या है। देखिए यहाँ पर जो वर्क डील आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो बाइंग सेलिंग दोनों हो रहा है। यहाँ पर बाइंग हुआ है, यहाँ पर सेलिंग हुआ है, फिर सेलिंग हुआ है, बाइंग हुआ है या बाइंग हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं बाइंग सेलिंग दोनों हुआ है। लेकिन जब मैंने इसका इनसाइडर देखा तो मुझे सरप्राइज किया गया। देखिए जब कंपनी 2 अगस्त 2022 को कंपनी गिर रही थी तो उस समय 14,50,000 का वॉल्यूम बाई किया गया। तब 2 अगस्त को कंपनी गिर रही थी 17,50,000 का वॉल्यूम बाई किया गया। उसी दिन 20 लाख का वॉल्यूम बाई किया गया। उसी दिन 10 लाख का वॉल्यूम बाई किया गया। तो आप देख सकते हैं लार्ज अमाउंट में यहाँ वॉल्यूम बाई किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए 7,80,000 का वॉल्यूम बाई किया गया। ये सब 2 अगस्त के दिन ही बाई किया गया जो कि मुझे सरप्राइज लगा। ऑपरेटर एंट्री यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अगर आपने पैसा लगाया है तो आप वेट कीजिए, आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। यहाँ पर कंपनी ने बोनस नहीं दिया है, कंपनी का डिविडेंड कुछ नहीं है। कंपनी का पब्लिक होल्डिंग 86% है, प्रमोटर होल्डिंग सबसे कम है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पर केवल 13% है और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर केवल और केवल 86% है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राफ के माध्यम से कि कंपनी अगर हाई बनाती है तो कहाँ तक जाएगी, कंपनी अगर लो बनाती है तो कहाँ तक जाएगी। तो हम लोग सीधा ग्राफ पर आते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर ये कंपनी जैसा कि आप देख सकते हैं अगर कंपनी 17.40 रुपये को क्रॉस करती है तो कंपनी 30 रुपये के आसपास आ जाएगी। हाँ लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कंपनी 30 रुपये के आसपास आएगी, 40 रुपये के नीचे आएगी, 30-31 आएगी। हाँ अगर कंपनी 30-31 ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पर कंपनी आपको सीधा 60 रुपये के आसपास आएगी। हाँ अगर कंपनी 60 रुपये ब्रेकआउट करती है, अगर ऑपरेटर यहाँ पर सेल नहीं करते तो कंपनी को आपको यहाँ पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। मतलब 120 रुपीज के आसपास कंपनी आएगी, आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज़ है ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको बताया। अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेटेस्ट वीडियो में आपको बताता रहूँगा कौन सा कंपनी गिर रही है, कौन सा कंपनी बुलिश में है, कौन सा कंपनी लो सर्किट में है। अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट ऑफ लेटेस्ट वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब इट।